कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, यानी वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानी मनाकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर, यानी गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सियाराम।